अजमेर पुलिस और इनाया फाउंडेशन की ओर चल रहे आवाज़ अभियान के तहत अजमेर के जैलन अस्पताल में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में परिवार को कैसे सुरक्षित रखें विषय पर व्याख्यान दिया गया। साथ ही इनाया फाउंडेशन ने वहां मौजूद ठेला चालकों को सम्मानित भी किया। फाउंडेशन की सदस्या ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत झालावाड़ के डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने की और इसी अभियान को राजस्थान के सभी जिलों से जोड़ा गया है। देश भर की कलाओं को एक बंधन में पिरोते जाएंगे, एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। अजमेर जिला प्रशासन, अजमेर पुलिस, इनाया फाउंडेशन, गोविंद देव जी ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम किया गया। समस्त पर्श की चुप्पी तोड़ो एक आवाज़ कैंपेन चलाया जा रहा है अजमेर जेल जिला पुलिस की तरफ से। इस कार्यक्रम में हम यही बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के ऊपर बातचीत हुई है हमारी वो कुलियों के साथ, जिसके अंदर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवगत करा रहे हैं। और जिसके ऊपर ये है कि आप जहाँ भी जाएं कैसे अपने बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें, इसके लिए अजमेर जिला प्रशासन का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने पहल करी, उन्होंने कुल इस संवेदनशील विषय को इतनी गहराई से समझा। और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पहला ही ऐसा जंक्शन है जहाँ पर इसके ऊपर ऐसे कार्यक्रम किया गया है। पर जो कुलीज हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सबको शामिल किया गया था हमारे एज ए पार्टिसिपेंट्स। और हम लोग को PPT प्रेजेंटेशन के जरिए हमने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, अंताक्षरी के जरिए हम लोगों ने उनसे बातचीत करी, उनसे इंटरेक्शन करा, उनसे पूछने की कोशिश करी कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों का समाधान क्या होने चाहिए। बिल्कुल, उनको हम लोगों ने GTPT मग, GTPT टी-शर्ट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और किताबों के साथ हमने सम्मान किया। और हमने इस कार्यक्रम झालावाड़ से शुरुआत करी थी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर के अंडर, जो अब नागौर के DM साहब हैं, उन्हीं की शुरुआत है, उन्हीं का ही नवाचार।